ब्रिटेन में लगभग एक ही समय पर दो ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर जैसे ही ब्रिटेन पहुंचे, उससे ठीक पहले ब्रिटेन में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक धमाकेदार बयान दे दिया। दर-दर की ठोकरें खा रहे पाकिस्तान के आर्मी चीफ ऐसे समय पर ब्रिटेन पहुंचे हैं जब ऋषि सुनक को सत्ता में आए 100 दिन पूरे हो चुके हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मन बनाकर आए थे कि चाहे उनका देश डूब ही क्यों ना जाए, लेकिन वो कश्मीर का मुद्दा जरूर उठाएंगे। हो सकता है वो इस मुद्दे को उठाए भी, लेकिन कश्मीर का रोना रोने से पहले ही ऋषि सुनक का एक बयान सुनकर वो सदमे में जरूर आ जाएंगे। दरअसल ऋषि सुनक ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि ब्रिटेन की इकोनॉमी बुरे वक्त से गुजर रही है, प्रधानमंत्री पद के सामने काफी चुनौतियां हैं, पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस को इस्तीफा तक देना पड़ गया, तो आपने इस मुश्किल समय में प्रधानमंत्री बनने के बारे में क्यों सोचा? इसके जवाब में ऋषि सुनक ने जो कहा उसे सुनकर आज पूरे भारत को गर्व होगा। ऋषि सुनक ने कहा कि मेरे लिए असल में मेरा काम ही मेरा कर्तव्य है। हिंदुइज्म में कॉन्सेप्ट है जिसे धर्म कहा जाता है, जिसका मतलब कर्तव्य से ही है, और मुश्किल समय में ब्रिटेन को बचाना मेरा कर्तव्य है। मेरी परवरिश इसी तरह से हुई है। ऋषि सुनक ने कहा कि मुझे लगा कि ब्रिटेन में बदलाव लाने के लिए मैं ही सबसे सही शख्स हूँ। अब आप ही बताइए कि जिस शख्स को अपने भारतीय और हिंदू होने पर इतना गर्व है, उसके सामने पाकिस्तान के आर्मी चीफ किस मुंह से कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे? क्या ऋषि सुनक को नहीं पता होगा कि पाकिस्तान में किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, किस तरह से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है? अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ को यही ख्याल खाए जा रहा होगा कि उन्हें कश्मीर का जिक्र भारतीय मूल के प्रधानमंत्री के सामने करना होगा जो हिंदू धर्म के मार्ग पर चल रहा है।